हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय श्री राम, हर हर गंगे। गंगोत्री धाम से बाबा केदारनाथ के लिए हमारा जो पैदल यात्रा, कावड़ यात्रा का जो सफ़र था आज 11 दिन का, वो आज हमारा विश्राम हो गया है, कहने की समाप्त हो गया है। का बहुत कुछ देखा और बहुत ही कुछ सीखा, क्योंकि कहते हैं कि विचार कितने ही बना लो, कावड़ वही उठाते हैं जिन्हें भोले बुलाते हैं। और हमने उत्तराखंड की देवभूमि बाबा केदारनाथ जी को यहाँ प्रांगण में इस मंदिर के सामने पहुंचकर एक बड़ा एक सुकून मिला। और आज हमने बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हमने देश की कामना मांगी, देश में सुख शांति रहे, एकता रहे, भाईचारा बने और हमारा देश अखंड रहे और हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने। ये हमने बाबा से आराधना की और आशीर्वाद मांगा। हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। हर साल की भांति हम हर ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल चढ़ाने का काम करते हैं। ये हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग है। पिछले साल हम गंगोत्री से उज्जैन के लिए प्रस्थान हुए थे और इसी बार गंगोत्री से हम बाबा केदारनाथ के लिए प्रस्थान हुए थे। हम हमारे श्याम जी गुरु, जो मुकेश जी गुरु है, उनके नेतृत्व में हमें हमारे खेजरोली से कावड़िया शिवर, कावड़िया संघ के जो हमारे जो बड़े भाई है, जगह जगह जाकर बाबा के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं। आज खेजरोली में कम से कम हमारे श्याम जी गुरु के नेतृत्व में और हमारे मुकेश जी गुरु जी के नेतृत्व में 200 कावड़ियों का एक बड़ा संघ है, जो कि जगह जगह कावड़ लाते हैं और चढ़ाते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारा सनातन धर्म मजबूत है। हमारा सनातन धर्म था, है और रहेगा। सनातन धर्म के लिए काम करेंगे। और जैसे कि हमारा भारत देश है, हमें आज हमने पहुंच यहाँ बाबा के द्वार पर पहुँचे, बहुत ही अच्छा एक महसूस हुआ कि वास्तव साक्षात यहाँ भोलेनाथ है। आप देख सकते हैं बाबा का पीछे का दृश्य, यहाँ सामने का बड़े भक्त अपने आस्था से यहाँ जल लेकर यहाँ आ रहे हैं और बाबा के ऊपर अभिषेक कर रहे हैं। दोस्तों, अपना हिंदू सनातन धर्म में सावन का महीना इतना अति पावन है, अति प्रिय है बहुत ज़्यादा। इस सावन के महीने में यदि शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, अपना बेड़ा पार होता है और अपनी नैया पार लगाता है और बाबा का आशीर्वाद होता है। तो मैं यही चाहता हूँ, मैं आपको बाबा की यहाँ की पूरी जानकारी दूंगा, पूरा दृश्य दिखाऊंगा। और यहाँ पे भक्त आए हुए हैं कावड़िए, जो कि हमारे भोले, जिन्होंने गंगोत्री से भी गंगा जल लेके आए हैं और आज जल अभिषेक किया। और दोस्तों, आप यदि इस YouTube चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, और यदि पहले से एक्टिवेट है तो शेयर करें। जय श्री राम, जय श्री केदार, हर हर महादेव। हमने बाबा के, केदारनाथ जी बाबा के ऊपर जल अभिषेक किया गंगा जल आज, और हमने वहाँ से बहुत ही अच्छा आशीर्वाद मिला, जिनकी हम तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही हर कोई भाग्यशाली को मिलता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा आशीर्वाद बाबा सबको दे, और मैं ए बाबा का आशीर्वाद ऐसे ही सदा सबके ऊपर बना रहे। क्योंकि जब मैं जल चढ़ा रहा था, जब पंडित जी ने मुझे जल चढ़वाया, जब मेरे गले के अंदर ये बाबा का आशीर्वाद डाला, ये हर किसी के ऊपर नहीं डाला था, ये कृपा है मेरे ऊपर बाबा की। मैं तय चाहता हूँ सभी के ऊपर बाबा की कृपा रहे, यही आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, जय श्री केदार। ये हमारे गंगोत्री धाम से पैदल चलकर बाबा केदारनाथ धाम आज पहुँच चुके हैं और जल लेके आए हैं। इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे ही सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए काम करें। जय श्री केदार, हर हर महादेव। बाबा केदार ऊंची ऊंची हिमालय के ऊपर विराजमान है। भक्त 21 किलोमीटर दूर गौरीकुंड से पैदल चलकर फिर आते हैं यहाँ बाबा के धाम। आप देख सकते हैं, और बाबा हमें भी एक मिनट हमें भी मौका यहाँ आने का दिया, जल चढ़ाने का दिया। दोस्तों, इतने समय से हम बाबा को वीडियो में देखते थे कि बाबा हम कब मिलेंगे आपसे। बाबा ने बोला कि आपको जल्दी ही बुलाएंगे जल लेके। तो देख सकते हैं आप, ये बाबा का
मंदिर, मेन द्वार और ये नंदी देवता। बोले साइड होता थोड़ा सा। ये यहाँ का दृश्य। मना है बिल्कुल सख्त। ये देख सकते हैं बाबा केदार का कितना सुंदर नजारा, देखे उतना कम है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। बाबा केदारनाथ जी का मंदिर इतना अति सुंदर है, आप देख सकते हैं हिमालयों की पहाड़ियों पे बसा हुआ है। तो दोस्तों, जब 2013 के अंदर एक बड़ी आपदा आई थी बाबा केदारनाथ धाम में, उसका तो आपको शायद सबको पता है, और उनको ये पता नहीं होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा जो केदारनाथ बाबा के जो आए हुए हैं उनको ही पता है। एक यहाँ बहुत बड़ी भीमशिला है इसके नाम से, जो कि जब बाबा की आपदा, उस टाइम पे आपदा आई थी, जब बाढ़ आई थी, बदल फटा था, जब ऊपर से पहाड़ में से निकल कर एक इतनी बड़ी भीमशिला गुड़ती यहाँ तक यहाँ आके अटक गई थी, और माँ गंगा मैया का बेग इतना हो गया था सीमा नहीं है, कि जब माँ गंगा का रुद्र रूप देखने को यहाँ केदारनाथ में 2013 में मिला था, जब जाके ये इस भीमशिला ने इस मंदिर को बचाया था। आज भी शास्त्र यही कहते हैं, जब भी ये आज ये भीमशिला नहीं होती उसी टाइम पर यहाँ पता नहीं क्या होता, पर कहते हैं जहाँ महादेव है वहाँ सब कुछ है। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसकी आज भी भक्त यहाँ पूजा करते हैं, और ये भीमशिला के नाम से जानी जाती है। मंदिर के जस्ट पीछे है, जो कि 2013 में जब ऐसी एक जबरदस्त आपदा आई थी, इस केदारनाथ को इस भीमशिला ने बचाया था। आज इतिहास में दर्ज है, इतिहास में लिखा गया इसका नाम। तो आपको दिखाते हैं नजदीक, यह है वो भीमशिला। आज भी यहाँ भक्त यहाँ पूजा की जाती है। केदार, आज हम उत्तराखंड की देवभूमि में पहुंचे हैं, और बाबा केदारनाथ के गंगोत्री से पैदल चल के गंगा जल भर के बाबा को अभिषेक किया हमने, और 11 दिनों का सफर आज हमारा हुआ समाप्त। आज हम गुरुजी से बात करेंगे, शंकराचार्य जी गुरुजी के बारे में कुछ विशेष बातें जानेंगे, क्या क्या किया क्या नहीं किया। जय श्री राम, बताओ गुरुजी। शंकरम शंकराचार्य केशवम बादरायणम सूत्रभाषकतो वंदे भगवंत पुनः पुनः। आदि गुरु शंकराचार्य की जो है यहाँ पर जो है समाधि स्थल है, आज से 1500 साल पहले ये जो है यहाँ पर आए, इस मंदिर का इन्होंने जो है पुनर्निर्माण किया। पहले इसको ढूंढा भगवान केदारेश्वर के मंदिर को, इन्होंने पहले ढूंढा। जब बुद्धिज्म इतना बढ़ गया था, तब जा करके इन्होंने जो है वहाँ के जो है पंडित जो है बुद्धिज्म पंडित जो थे, जो पंडिती कहते होंगे उनको, जो शास्त्रास्त्र वाले होते हैं, तो उनको परास्त करके जो है अपने धर्म की पुनर्स्थापना की। चार धाम और चार मठ उन्होंने बनाई। आदि भारत के 3 बार इन्होंने भ्रमण किया भारत पर, भारत के लोगों को जोड़ा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। आप लोगों को पता होगा कि भारत यहाँ केदारनाथ मंदिर में जो है मुख्य पुजारी जो है साउथ से होते हैं, ये व्यवस्था इन्होंने पहले की है, समझिए। वैसे ही हमारे जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत के मंदिरों में, कई प्रसिद्ध मंदिरों में जो है पूजा अर्चना करते हैं हमारे जो पुजारी होते हैं उत्तर भारतीय, तो ये व्यवस्था इन्होंने पहले बना रखी है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का इन्होंने पुनर्निर्माण करा, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठों का इन्होंने जो है निर्माण किया, पुनर्निर्माण सभी का, समझ गए। तो बड़ा योगदान इनका जो है सनातन धर्म को जो उभारने के लिए।
बहुत बड़ा योगदान, 100 से अधिक इन्होंने पूजा पाठ हमारे लिए कृतियाँ हमारे लिए दी हैं। तो इस प्रकार से जो है मात्र 32 साल की उम्र में इन्होंने यहाँ पर जो है समाधि ली और शिव विलीन हो गए। ठीक है, तो जय हो गंगा, जय गंगा माई की। तो जैसे ऐसे बताया कि पंच केदारों किसकी स्थापना इन्होंने की थी, ये भी पंच केदारों में नहीं, बस मात्र भगवान केदारेश्वर का जो है पुनर्निर्माण कराया। तो ऐसे बताया, लोग तो ऐसे बोलते हैं मीडिया में व्यूज लेने के लिए चक्कर में कि ये मूर्ति है जो आपदा आई थी, जब वो पहले वाली मूर्ति नहीं थी। वो तो सच है ना, ये जो है आपदा में जो है भय गई थी, थोड़ा उसका कुछ अवशेष बचा हुआ है तो ये इसमें स्थापित कर दिया गया। ये नई मूर्ति है बिल्कुल, 2021 के अंदर जो है ये मूर्ति पुनः बनी है। अच्छा, 2021 में वापस 2021। जय श्री राम, जय जय श्री केदार। यार बता थोड़ा सा कैसे बोला। ठीक, तो आप देख सकते हैं कितने टैलेंट के साथ यहाँ भक्त, बड़े उत्सव आ रहा है, उत्सव के साथ यहाँ बाबा केदारनाथ के मंदिर के प्रांगण के सामने झूमते नाचते कूदते बड़ा जश्न मना रहे हैं। आप देख सकते हैं तो दोस्तों हम भैरवनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं और यहां भक्त अपनी आस्था से बाबा केदारनाथ की यात्रा करने की बात यहां पहुंचते हैं, जब जाके यहां बाबा की यात्रा संपूर्ण यानी सफल होती है और यहां भक्त तेल फूल प्रसाद यहां बाबा को चढ़ा रहे हैं। देख सकते हैं आप और यहां का दृश्य देख सकते हैं, ये भक्त भैरवनाथ मंदिर बाबा के पहुँच रहे हैं और अपनी अर्जी यहाँ स्वीकार कर रहे हैं, अपनी मनोकामना लेके पहुँचते हैं। तो आप देख सकते हैं, बस खूब है, अब चलो। तो आप देख सकते हैं भक्ति यहाँ तेल फूल माला प्रसाद यहाँ चढ़ा रहे हैं बाबा को। भैरव मंदिर बाबा का सुंदर नज़ारा, यात्रा करने के बाद भक्ति यहाँ पहुँचते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बाबा भैरव मंदिर के पास में, जो कि 2 किलोमीटर दूर है बाबा से। यहां भक्त यात्रा करने के बाद यहां पहुंचते हैं। तो यहां से हम बाबा केदारनाथ का नीचे का नज़ारा दिखा रहे हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आप देख सकते हैं। यह है नीचे का दृश्य और वो सामने बाबा भैरवनाथ मंदिर है। भक्त यहाँ यात्रा करने के बाद यहाँ जरूर धोक प्रणाम करने के लिए आते हैं। यहाँ दोस्तों हम जैसे केदारनाथ से भैरव मंदिर जाते हैं, रास्ते में भक्तों के लिए भंडारा की सुविधा यहाँ है, भंडारा प्रसाद चल रहा है यहाँ, भंडारा चल रहा है। दोस्तों ये अलकनंदा नदी जो बाबा केदारनाथ की पहाड़ियों में से ग्लेशियर में से निकल कर आती है, ये इतना ठंडा जल है, इतना ठंडा, बहुत ज़्यादा, ये आप देख सकते हैं। अलकनंदा है इसका नाम,